Yo, what's up, army? This animation will come back to another Impossible Strategies series का episode number 2. अब guys, जिनको नहीं पता हम इस सीरीज में क्या करते हैं, guys, मैं एक वीडियो डाल चुका हूँ, लेकिन मैं इसमें फिर से बता रहा हूँ, क्योंकि guys, उस वीडियो में एडिटिंग की वजह से कुछ आप लोगों को समझ नहीं आया होगा. मैं फिर से बता देता हूँ, guys, इस सीरीज में हम क्या करते हैं. इस सीरीज में, guys, आप नीचे आपके मनपसंद, मेरे व्यूअर्स में सब्सक्राइबर्स के मनपसंद आर्मी कॉम्बिनेशन जो आप चाहते हो कि मैं अपने अटैक में यूज़ करूं, वो आप नीचे मुझे कमेंट करोगे और मैं उस आर्मी को ट्रेन करके अटैक में जंप करूंगा. और फिर देखेंगे, गाइस, ये आपने चैलेंज दिया, क्या मैं उसे कंप्लीट कर पाता हूं या मैं फेल होकर -28 -30 करके वापस आ जाता हूं. तो आई वेंट एम वीडियो स्टार्ट करते हैं. No doubt in your mind that the chicken dinner is yours for the Whoa. What was that? Strategic tips that will get you and your squad to the final circle. So you're playing squads and you've got a group of total badasses. Between the four. So yeah, guys, यहाँ पे हमें पहला चैलेंज मिला है एकता ग्रेट की तरफ से. अब पता नहीं कैसा नाम है, बिल्कुल भी मेरे समझ नहीं आया. एकता ग्रेट, हाँ, बढ़िया ही नाम होगा. तो यहाँ पे हमें पहला चैलेंज मिला है एकता ग्रेट की तरफ से. तो इन्होंने क्या लिखा है मैं आपको बता देता हूँ. इन्होंने लिखा है, भाई एक चैलेंज मेरा भी है कि 2 P.E.K.K.A. and all hogs and no CC spell. No CC के बाद spell आपकी मर्जी, attack करो, victory करके दिखाओ तो मान जाऊँ. अच्छा, तो मतलब इनको हमें 2 P.E.K.K.A. दो और all hogs लेना है, बाकी जितनी भी हमारी स्पेस बचती है, और CC नहीं लेना है, spell में हमारी मर्जी चलने वाली है, ठीक है. तो यहाँ पर देख सकते हो गाइस, मैंने यहाँ पे 3 heal spell, 2 rage, 1 freeze लिया है, 2 P.E.K.K.A. लिए हैं और 38 हॉग्स लिए हैं. इन्होंने भी क्वीन और किंग, मतलब हीरोज़ के बारे में कोई कहानी नहीं बताई है, सीसी नहीं यूज़ करना इतना बता दिया है. तो चलिए गाइस, हम लोग पहली वीडियो में अपना पहला क्या दोनों ही चैलेंज हार गए थे, और उसमें से एक तो हम अटैक ही फेल हो गए थे, एक में विक्ट्री हुई थी लेकिन हम चैलेंज नहीं जीत पाए थे. तो चलिए गाइस, होप श्योर कि हम इसमें कम से कम, मैं इसमें इस वीडियो में तीन चैलेंजेस मैं यहाँ पर लेने वाला हूँ, इस वीडियो में 3 challenge. तो होप श्योर कि लगभग हम 2 कंप्लीट कर सकें. तो चलेगा, इस अटैक में जंप करते हैं. और इसकी एक और क्राइटेरिया रहेगा, इस हम लोग अपनी पहले बेस पे अटैक करते हैं, जो भी हमें पहला बेस मिलता है उसमें अटैक करते हैं गाइज. तो आएगा इस अटैक करते हैं, और पहला बेस जो भी निकल के आएगा उसमें हम अटैक करेंगे. तो जैसा कि ये बेस निकल आके आ गया है, इस पर हमें अटैक करना है, अब चाहे कुछ भी हो जाए. तो कहाँ से अटैक कर सकते हैं गाइज, जाहिर सी बात है हम अटैक करेंगे कहाँ से, यस, हम अटैक करेंगे इधर से, यहाँ पे किंग क्वीन. यहाँ पे एक पकड़ डाल देते हैं. यहाँ पे हॉग्स एकदम से गाइस स्पैम, ओके, फटाफट से किलो जाओ गाइस. यहाँ पे एक रेज और एक और हील, इन्हें इन सब पे दोनों फ्रीज डाल देंगे. ओके गाइस, एक गलत फ्रीज मैंने यहाँ पे यूज कर लिया, आई एम सो सॉरी, सीसी का फ्रीज यूज कर लिया मैंने यहाँ पे. ये क्या सीन हो गया भाई, भाई ये सारे सीन मेरे साथ ही क्यों होते हैं. मुझे तो लगा था गाइस ये अटैक काफी इजी होगा मेरे लिए, लेकिन अभी गाइज इम्पॉसिबल स्ट्रेटजीज है, तो मतलब सच में लिटरली इम्पॉसिबल से ही चैलेंजेस मिल रहे हैं मुझे मेरे व्यूअर्स की तरफ से, मतलब इतने ख़तरनाक चैलेंजेस. विक्ट्री करनी थी गाइज, और मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता कि मैं कर पाऊँगा, और मैं फिर से अटैक फेल हो गया गाइज, और फिर से -26 लगी है मुझे. क्यों, मेरे पास 38 हॉक्स थे, 3 heal spell थे, मैंने सही से यूज़ नहीं किया गाइज. मैंने गलत साइज अटैक कर दिया गाइज,
और उसी वजह से हमारा यहाँ पे पूरा कांड हो गया। तो देख सकते हो गाइस यहाँ पे मेरी ट्रॉफीज माइनस होती चली जा रही है। मैं बिहाइंड द सीन्स पुश करता हूँ, लेकिन जैसे इम्पॉसिबल स्ट्रेटजीज आती हैं गाइस काम खत्म। लेकिन गाइस कोई थिंग भी टेंशन नहीं है, अपन पुश कर लेंगे जब मन चाहेगा। लेकिन इम्पॉसिबल स्ट्रेटजीज हैं तो मजा तभी आएगा ना गाइस जब मैं अटैक फेल करूँगा। अब आप लोग चैलेंजेस दोगे और मैं ईजिली उसको आपके चैलेंजेस को करके दिखाऊँगा तो उतना मज़ा नहीं आएगा। तो गाइज यहाँ पे हमें सेकंड चैलेंज दिया है शशांक सिंह ने। तो शशांक सिंह का चैलेंज क्या है गाइज? चैलेंज है कि चलो चैलेंज कंप्लीट करके दिखाओ, अब TH10 ID से TH10 पे अटैक करो विदाउट एनी ग्राउंड ट्रूप्स एंड यूज ओनली हील स्पेल एंड लाइटनिंग स्पेल एंड गेट 70%। तो यहाँ पे मैं इनका चैलेंज देख के बिल्कुल भी डर नहीं रहा हूँ, क्योंकि गाइज लगता है इन्होंने मेरी टनल 10 रोड टू मैक्स वाली सीरीज की वीडियोस नहीं देखी हैं। तो शशांक सिंह अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, अगर अपने चैलेंज को मैं आपको इस वीडियो में फीचर कर रहा हूँ, तो आप मेरी जैकेट रोड टू मैक्स टनल 10 वाली वीडियोस देखें। उसमें अगर आप ध्यान से देखोगे ना, मतलब अगर आप उसमें मेरे अटैक्स देखोगे ना, तो मैं उसमें लावा लून करता हूँ, जो अवश्य बात है एयर अटैक है। और आपने मुझे चैलेंज क्या दिया? विदाउट एनी ग्राउंड ट्रूप्स, मतलब गाइस मैं करता ही एयर अटैक हूँ और इन्होंने मुझे विदाउट एनी ग्राउंड ट्रूप दिया है। मतलब वीडियोस देखो भाई टनल 10 रोड टू मैक्स वाली, उसमें मैंने सारे के सारे उसमें क्या, मैं जब से टनल 9 पे आया हूँ ना गाइस, तब से मैं लावा लून कर रहा हूँ तब से, ठीक है। मैं 100 में एक अटैक फेल होता हूँ, वो भी तब जब CC से इलेक्ट्रो ड्रैगन निकल आया, मेरी क्वीन रॉन्ग मूव कर जाए तब मैं अटैक फेल करता हूँ। नहीं तो मैं लावा लून का ना अटैक कभी फेल ही नहीं करता भाई। और आपने चैलेंज दिया है तो कंप्लीट तो करेंगे, लेकिन एक बात की टेंशन मुझे यहाँ पर है, क्योंकि मैं वहाँ पर रेज ले जाता हूँ, यहाँ पर मुझे हील स्पेल ले जाना है, और इसी में कहीं थोड़ी सी टेंशन है। तो इन्होंने यहाँ पर क्या CC भी नहीं मना किया है, और तो क्वीन और किंग भी नहीं मना किया है, तो यहाँ पर मैं हीरोज़ को लेके जाऊँगा, CC नहीं लेके जाऊँगा। जाहिर सी बात है, अगर आप CC और हीरोज़ के बारे में नहीं लिखोगे तो मैं कुछ नहीं कर सकता, आपको लिखना पड़ेगा। लेकिन आप नहीं लिख रहे हो तो मैं CC नहीं लेके जा रहा हूँ, बट हीरोज़ को मैं लेके जाऊँगा अपने अटैक में। तो अभी गाइस हमारी आर्मी ट्रेन नहीं हुई है, तो फटाफट से आर्मी ट्रेन करके और क्वीन और किंग जो रीजनरेट हो जाते हैं तब आते हैं, फटाफट से आते हैं गाइस। सो वेलकम बैक गाइस, देख सकते हैं यहाँ पे हमारी आर्मी ट्रेन हो गई है। तो चलिए गाइस करते हैं इसी आर्मी के साथ हम यहाँ पे अटैक हो गया शुरू हो गया। तो गाइस इन्होंने कहा है TH10 पे अटैक करना है, तो आ गया TH10। इस बार गाइस बेस थोड़ा सा इजी लग रहा है, मुझे हर बार इजी लगता है और मैं हर बार ही अटैक फेल कर देता हूँ, लेकिन इस बार गाइस करनी है मुझे अटैक। तो काम करते हैं कहाँ पे डालेंगे हम, इधर पे डालेंगे, इधर से अटैक करते हैं। तो अब हम क्वीन को अंदर मार्च कराएंगे। बस यहाँ पे मैंने वॉल ब्रेकर नहीं लिया क्योंकि वो ग्राउंड ट्रूप है, तो यहाँ पे दिक्कत हो सकती है भैया। बार भी रैंकिंग को डालना पड़ेगा मुझे, क्वीन अंदर जाएगी नहीं इतना तो मुझे पता है। यहाँ पे एबिलिटी देते हैं और के क्वीन यहाँ पे कुछ करे, चलिए एबिलिटी देनी पड़ेगी यहाँ पे। ओके तो चलिए अटैक करते हैं गाइस, अटैक स्टार्ट करते हैं यहाँ से, ठीक है। तो अटैक स्टार्ट करते हैं,
और ये तो हील है, इससे तो कुछ फर्क ज्यादा होने नहीं वाला है। तो पता नहीं ये लून्स का ना क्या सीन है, मुझे समझ नहीं आता है। जहां इनको जाना होता है वहां ये कदे जाते नहीं है। यहाँ पे कील डालते हैं। फाइनली हमने अटैक फेल होने से तो बचा ही लिया है, लेकिन 70% हील्स के साथ, हील के साथ यहाँ पर अटैक करना नॉट वेरी इजी। तो नहीं होगा, इधर टाइम फेल हो जाएगा। ओके तो यहाँ पे जो भी हमारा चैलेंज था गाइस, हम फिर से फेल हो गए। मतलब क्या चल रहा है भाई, सचमुच के इम्पॉसिबल चैलेंजेस दे रहे हो आप लोग मुझे। लिटरली गाइस सचमुच के इम्पॉसिबल चैलेंजेस मैं कैसे करूँ। एक और चैलेंज मैं यहाँ पे फेल हो चुका हूँ, और मैं सच बता रहा हूँ मुझे शशांक भाई की यहाँ पे वो करनी चाहिए। लिटरली गाइज मैं बता रहा हूँ सच में, इस चैलेंज से गाइज मैं खुश हो गया इनके, क्योंकि इन्होंने मुझे चैलेंज विक्ट्री लेने के लिए 70% कहा। क्योंकि एक्चुअली पता है ये जो इंसान है ना, इसको मैं जानता हूँ शशांक भाई को। एक्चुअली ये बहुत पहले मुझे मिले थे, फ्रेंड हैं ये मेरे, और ये काफ़ी लंबे टाइम से COC खेल रहा है। तो इन्हें पता है किस स्ट्रैटेजी के साथ अगर ये लड़के को मैं चैलेंज दूंगा तो ये डेफिनेटली फेल करेगा। तो इसीलिए इन्होंने 50% नहीं लिखा, इन्होंने विक्ट्री नहीं लिखा, एक्स्ट्रा नहीं लिखा, इन्होंने लिखा कि 70% का कोई भी चांस ही नहीं बनता। गाइज आप एयर अटैक में अगर आप लावा लून कर रहे हो ना, अगर पछता ही क्या एयर अटैक में, ब्लू ड्रैगन करोगे, ड्रैगन करोगे, फेल होगे गाइज, आराम से फेल हो जाओगे। क्योंकि एयर डिफेंस काफ़ी अच्छे लेवल के होते हैं, और TH-10 पे करने के लिए कहा था। ये इंसान सच में बहुत ख़तरनाक इंसान है भाई, है तारीफ करनी पड़ेगी शशांक भाई की। और रंग भाई हैट्स ऑफ योर चैलेंज, बहुत अच्छा चैलेंज था सच में, मज़ा मुझे सच में मज़ा आ रहा है ये इम्पॉसिबल स्ट्रैटेजीज को करते हुए। जब अब मैं चैलेंज फेल होता हूँ ना, तो ऐसा लगता है कि हाँ भाई कहीं ना कहीं कि मेरे व्यूअर्स मुझे कुछ बढ़िया बढ़िया चैलेंज दे रहे हैं, ऐसे मुझे पता है सीखने को मिलेगा। अब तो मैंने ये स्ट्रैटेजी स्टार्ट किया, तभी तो मैंने ये सीरीज स्टार्ट की है कि गाइस आप मुझे चैलेंजेस दोगे, मैं अलग अलग कॉम्पिटिशन ट्राई करूँगा, हारूँगा जीतूँगा। चैलेंजेस में अब तक शायद एक भी नहीं जीता हूँ, लेकिन जीतना चाहता हूँ गाइस, एक भी चैलेंज में नहीं जीता हूँ और अब जीतना चाहता हूँ। तो गाइस वन लास्ट चैलेंज इस वीडियो का जो क्या है, चैलेंज ये गाइस कि ऑल विचेस एंड हीलर्स, नो किंग एंड नो क्वीन, CC में कुछ भी हो, जो मन करे स्पेल में जो चाहे। तो किंग क्वीन का झंझट नहीं है गाइज यहाँ पे, हमें यहाँ पे केवल विचेस और हीलर्स के साथ अटैक करना है, और स्पेल में तो हमारी मर्जी है, CC भी नहीं है। और CC में कुछ भी हो, CC में भी हो सकता है गाइज। तो CC में हम यहाँ पे लून्स लेंगे, ठीक है, तो CC में हम यहाँ पे लून्स ले लेंगे, या फिर लून्स ने CC में गए तो हम यहाँ पे लेंगे इलेक्ट्रो ड्रैगन और लून, ठीक है, और ले लेंगे अपना एक लाइटनिंग स्पेल, चार हो जाएंगे अपने, ठीक है। और क्वीन से तो, क्वीन और किंग से तो हमारा कोई मतलब ही नहीं यहाँ पे। तो चले गए फटाफट से आर्मी ट्रेन करके, CC लेके आते हैं, और एक लास्ट इम्पॉसिबल स्ट्रैटेजीज की इस वीडियो का लास्ट अटैक करते हैं और रैप अप करते हैं वीडियो को, आते हैं गाइस बस कुछ ही देर में। ओके सो गाइस वेलकम बैक, आ गए हैं अपने थर्ड चैलेंज को लेके। जो चैलेंज हमें मिला था ऑल विचेस एंड हीलर्स, नो किंग नो क्वीन, CC में हम कुछ भी ले सकते हैं, तो एक्चुअली CC की डोनेशन मैंने नहीं लिया, तो CC लेके आते हैं गाइस 2 मिनट में बस। ओके गाइस यहाँ पे हमने CC भी ले ली है, इलेक्ट्रो ड्रैगन और लून। तो यहाँ पे CC में हम कुछ भी ले सकते थे, और स्पेल्स में भी गाइस हम यहाँ पे कुछ भी ले सकते थे। तो चलिए गाइस फिर से अपने फर्स्ट बेस पर अटैक करते हैं। अभी तक गाइस 2 वीडियोज़ बनाई हैं, टोटल 4 चैलेंजेस कर चुका हूँ, एक भी नहीं जीता हूँ, ये वाला भी
भगवान भरोसे ही चलेगा भाई। तो भगवान भरोसा चल चुका है, देख सकते हो। तब मतलब क्या ही बताऊँ मैं आप लोगों को। तो इसमें हम एयर डिफेंस के लिए नहीं जाएंगे, इसमें हम जाएंगे यहाँ पे, और किंग क्वीन हमें यूज़ नहीं करना है। अच्छा हुआ, अटैक हम स्टार्ट करेंगे अपना। यहाँ पे 1 2 3 4 दो हीलर, यहाँ पे 1 2 3 4 दो हीलर, और यहाँ पे 4 एक और हीलर डाल देते हैं। देखते हैं गाइस कुछ कर पाते हैं हम इस स्ट्रेटजी के साथ यहाँ पे कि नहीं। ऑब्वियस सी बात है गाइस, ये एक वॉक है, तो यहाँ पे काम करते हैं। पहले तो ये डाल देते हैं, फनल क्रिएट हो गया है अपना, और सीधा यहाँ पे डाल देंगे अपना पहला रेज। यहाँ पे इन्होंने कुछ भी नहीं बोला है, बस हमें मतलब विनिंग स्टार यहाँ पे एक अटैक करना है। मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता हूँ गाइस कि अब मुझे माइनस मिल जाए। लिटरली गाइस बहुत ही ज्यादा बेकार काम। एक लौती हमारी पास विच बची हुई है, 30% अटैक हुआ है। मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ ये अटैक फेल हो चुका है। तो गाइज ये भी अटैक यहाँ पे फेल हो चुका है, क्योंकि 38 सेकंड बचे हैं और अभी भी गाइज 20% के ऊपर हमें वैल्यू निकालनी। एक्चुअली गाइज मेरी विचेस जो है एकदम लो लेवल की हैं, तो मैंने अपग्रेड नहीं किया है यहाँ पे विच को, दैट्स वाई मैं कोई भी यहाँ पे कुछ नहीं कर सकता हूँ। कब तक गाइज हम इसी से अटैक करेंगे? 19 सेकेंड्स। इतनी सारी हीलर्स मेरे एक विच को हील कर रही हैं, 33%। और यहाँ पे गाइज ये भी ख़त्म, -28। मज़ा आती है गाइज माइनस करके, बहुत ज़्यादा मुझे मज़ा आ रही है। मैं आकर 24-47 पे इतनी ज़्यादा माइनस, लेकिन गाइज कर लेंगे अपन, पुश कर लेंगे। तो ये तो गाइज हमारे 3 चैलेंजेस, अब तक हमने 2 वीडियोस में मिला के 5 चैलेंजेस यहाँ पे कर चुका हूँ, लेकिन अभी भी मैंने एक भी चैलेंज कम्प्लीट नहीं किया है। बहुत ख़राब लग रहा है मुझे, खैर कोई नहीं। तो चलिए गाइस आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए एज ऑलवेज गाइस जय हिंद। और तू शाहरुख शेख नहीं, शाहरुख स्नेक है। सच्चाई है ये गाना नहीं टेस्ट। समझ में आया।